गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कूलिंग टावर लेक्चर 5। सो फ्रेंड्स, आज के कूलिंग टावर के इस लेक्चर में बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स जो हमारे कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। आज फ्रेंड्स हम बेसिकली ये देखेंगे, वहां पे बेसिकली हमने जस्ट बेसिक्स पढ़े थे लाइक रेंज क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है एक्सेट्रा। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली हमारे जो भी हमारा कूलिंग टावर रहता है ये उसके परफॉर्मेंस को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं वो हम आज सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा लाइक और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साइजिंग योर कूलिंग टावर की, आपके कूलिंग टावर का बेसिकली जो साइज है वो किस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड्स में आपको मैं बेसिकली अलग अलग सारे पैरामीटर्स का इंपैक्ट समझाऊंगा जो एक एक फैक्टर पे पड़ता है। इसमें मैं बेसिकली आपको थंब रूल बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, कूलिंग टावर का बेसिकली जो साइज होता है वो साइज इफेक्ट होता है आपका 4 पैरामीटर से, हीट लोड, रेंज, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर मैं किसी भी एक पैरामीटर का इंपैक्ट समझना चाहूंगा तो मेरे को बाकी के 3 पैरामीटर्स को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, व्हेन 3 ऑफ दिस 4 क्वांटिटीज आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, टावर साइज वेरीज इन द फॉलोइंग मैनर। याद रखिए फ्रेंड्स कि एक पैरामीटर के इंपैक्ट को समझने के लिए मैं ये मान के चलूंगा कि बाकी के 3 पैरामीटर्स मेरे बिल्कुल कांस्टेंट हैं। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक पैरामीटर के इंपैक्ट समझने के लिए, बिकॉज कूलिंग टावर का जो आपका साइज है वो हीट लोड, रेंज, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं किसी एक के बारे में बात करता हूं तो मेरे को बाकी जो चीजें हैं उनको मैं कॉन्स्टेंट मान के चलता हूं। आगे की बेसिकली जो स्लाइड्स होंगी उनमें मैंने आपको हर एक पैरामीटर को समझाया है कि हर एक पैरामीटर बेसिकली किसकी चीज से लिंक करता है। आगे मैंने वो चीज डिस्क्राइब की, यहां मैं आपको थंब रूल बता रहा हूं। जो टावर का साइज है वो बेसिकली फ्रेंड्स मेरा डिपेंड करता है हीट लोड पे। अगर मेरा हीट लोड डबल होगा तो मेरा टावर का साइज डबल हो जाएगा। दोबारा सुनिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सारी चीजें हैं। अगर मैं खाली हीट लोड की बात कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी रेंज, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट है। तो फ्रेंड्स, टावर का साइज जो है मेरा वो बेसिकली एक लीनियर वे में वेरी करेगा विद हीट लोड। अगर हीट लोड मेरा डबल होगा तो मेरा जो टावर का साइज है वो डबल हो जाएगा। अगर मेरी रेंज, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है, जो टावर का साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेंज का, रेंज के। अगर मेरा हीट लोड, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टावर का साइज जो होता है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्रोच का। अगर मेरा हीट लोड, रेंज और वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो टावर का साइज है ये वेरी करता है इन्वर्सली विद वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर मेरा हीट लोड, रेंज और अप्रोच ये मेरा कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जो बेसिकली थंब रूल आपको दिया गया इसमें खाली एक पैरामीटर की बात की गई है। ऊपर मैंने 4 पैरामीटर्स आपको बताए हैं, हीट लोड, रेंज, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर। इसमें से जिस भी पैरामीटर का नीचे लिंकेज दिया गया लाइक टावर साइज वेरीज इन्वर्सली विद रेंज, यहाँ पे खाली रेंज की हमने बात की है। मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हीट लोड, अप्रोच और वेट बल्ब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, ये एज अ थंब रूल आप याद कर सकते हैं कि इन 4 पैरामीटर्स पे बेसिकली कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है और इनमें से किसी एक का दूसरे एक का टावर के साइज के साथ में क्या लिंकेज होता है कंसीडरिंग रिमेनिंग 3 ऑल कांस्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि एक एक पैरामीटर किस किस पैरामीटर से लिंकेज करता है। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कूलिंग टावर कैपेसिटी की। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस है ये बेसिकली इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं लाइक रेंज, अप्रोच, कैपेसिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर। बट ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से लिंकेज है। तो एक सिंगल पैरामीटर आप सोचें कि मैं आपसे बोल दूं कि कूलिंग टावर की कैपेसिटी का उसके परफॉर्मेंस से क्या इंपैक्ट होगा तो ये आप नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज इसके लिए आपको कैपेसिटी के साथ में आपको बाकी पैरामीटर्स भी लिंक करने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपेसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिकली होता है जो हम हॉट वाटर से हीट रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं खाली इतना ही आपको बात करूं कि मेरे को कूलिंग टावर की कैपेसिटी मेरी बढ़ गई है, मींस एक्स्ट्रा हीट लोड मेरे कूलिंग टावर पे आ रहा है, तो फ्रेंड्स उसके साथ में जो बाकी चीजें लिंक है वो बेसिकली क्या होता है कि पानी जो है वो किस फ्लो रेट से घूम रहा है। आफ्टर दैट मेरे को क्या रेंज चाहिए, मींस जो मान लीजिए मेरा हीट लोड बढ़ गया है, मींस जो मेरा पानी सिस्टम में आ रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन जो मेरे को रेंज मेंटेन करनी है, जो मेरे को आउटलेट वाटर का टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मेरे को कितना चाहिए, इसके बाद में जो मेरा आउटलेट वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो अप्रोच से मैं कितना क्लोज जा सकता हूं, मींस वो वेट बल्ब टेम्परेचर से मैं कितना क्लोज जा सकता हूं। ये बेसिकली जो अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं
मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स का लिंकेज समझाया है, बेसिकली इन स्लाइड्स में वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सिंगल पैरामीटर कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। एक जो पैरामीटर होता है वो बेसिकली दूसरे पैरामीटर से लिंक होता है, दूसरा तीसरे पैरामीटर से आपका लिंक होता है। तो आपको एक को इम्पैक्ट समझने के लिए बाकी पैरामीटर से भी उसका लिंकेज समझ में आना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, लाइक हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये देखिए, जो हीट डेसिपिएटेड, जो हीट मेरी रिलीज हो रही है, और ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपका सर्कुलेशन का फ्लो रेट कितना चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये आपका आपके सिस्टम में रेंज कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। आपके सिस्टम में आपको अप्रोच कितनी मिल रही है ये बेसिकली उस पर भी डिपेंड करेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको कूलिंग टावर का जो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कैपेसिटी, ये आपको कन्फर्म हो गया होगा कि कैपेसिटी बेसिकली आपका जो सर्कुलेशन फ्लो रेट है उसके साथ में रेंज और अप्रोच इन पे भी आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं रेंज की। रेंज फ्रेंड्स क्या होता है आपका, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस इट इज सर्विंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेंज बेसिकली जो प्रोसेस वो सर्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली जो आपका इसको हम डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली जो हीट लोड है आपके कूलिंग टावर से जो आ रहा है वो हीट लोड और जो वाटर सर्कुलेशन रेट है इसके बेस पे रेंज को डिफाइन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जो आपकी रेंज होती है दैट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ हीट लोड एंड वाटर सर्कुलेशन रेट। जो आपकी रेंज होती है वो फंक्शन होती है हीट लोड की और वाटर सर्कुलेशन रेट की। अब फ्रेंड्स, वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेंज के केस में, बिकॉज जो भी आपकी डिजाइन रेंज है ये स्पेसिफाइड होती है एक सर्टेन वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए। मीन्स रेंज जो आपने डिफाइन की वो एक डिजायर्ड वेट बल्ब टेम्परेचर पे ही डिफाइन की जाती है। अगर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपकी रेंज भी वेरी कर जाती है। और फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आपका जो अप्रोच है वो वेट बल्ब टेम्परेचर के क्लोजर होगी उतना ही ज्यादा आपका जो कूलिंग टावर है वो एक्सपेंसिव होता जाएगा, क्योंकि आपके कूलिंग टावर का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली जो हम कैलकुलेशंस में लेके चलते हैं, जो हमारा मीन्स कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द टावर होता है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसको हम एट द मैक्सिमम मीन्स इतना तो मान के चलते हैं कि ये 2.8 डिग्री का इसमें डिफरेंस तो पॉसिबल होगा ही होगा, बिकॉज इससे कम बेसिकली अप्रोच को मेंटेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ता है। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, रेंज बेसिकली डिफाइन होते ही कि किस प्रोसेस को वो सर्व कर रहा है उसके बेसिस पे, और रेंज को वो कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हीट लोड और वाटर सर्कुलेशन रेट से हमारी रेंज डिफाइन होती है। रेंज डिफाइन करने के लिए उसमें आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है वही डिफाइन करता है कि आपका जो कूलिंग टावर है उसका साइज क्या होगा, बिकॉज आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही आपका जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या जो वैल्यू है वो वेरी होती है। सो इस वजह से हमारा जो अब कूलिंग टावर है उसका साइज बेसिकली जितना ज्यादा आप अप्रोच की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा आपका कूलिंग टावर का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं अप्रोच एंड फ्लो। फ्रेंड, अप्रोच बेसिकली डिफाइंड होता है वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग द कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आपका अप्रोच की रेंज हम क्लोजर करते चले जाएंगे, बेसिकली मान के चलते हैं कि अप्रोच में हम वेट बल्ब टेम्परेचर से 2.8 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं, मीन्स डिजाइन में बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप और ज्यादा इस वेट बल्ब टेम्परेचर के क्लोज जाने की कोशिश करेंगे तो आपके कूलिंग टावर का साइज जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड फ्रेंड, सेकेंड चीज, जो आपका वाटर सर्कुलेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हीट लोड के। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली पूरे के पूरा कूलिंग टावर को जब डिजाइन किया जाता है तो वहां वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है बेसिकली इसके बेस पे ही कूलिंग टावर का साइज डिफाइन होता है, क्योंकि यही वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक आप कूलिंग वाटर को ठंडा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग द कूलिंग टावर डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेवल थ्रू आउट द प्लांट प्रोसेस और द सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम रिसर्कुलेशन इंक्रीज करते जाएंगे वो हमारा इफेक्टिव वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग द टावर चेंज करेगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली विद इंक्रीज इन कूलिंग कोल्ड वाटर टेम्परेचर। फ्रेंड्स, दोबारा सुनिए, रिसर्कुलेशन रेजेज द इफेक्टिव वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग द कूलिंग टावर। ये मेरा क्या करता है रिसर्कुलेशन, ये इफेक्टिव वेट बल्ब टेम्परेचर एयर का इंक्रीज करता है जो कूलिंग टावर में एंटर कर रही है विद कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कोल्ड वाटर टेम्परेचर। मीन्स एक तरफ तो रिसर्कुलेशन रेट इंक्रीज करने से मेरा कोल्ड वाटर का टेम्परेचर जो है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा मेरा जो वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर है
रिसर्कुलेशन से उसकी इफेक्टिवनेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड मैं बात करता हूं रेंज फ्लो और हीट लोड की। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेंज ये डायरेक्ट फंक्शन होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर सर्कुलेटेड एंड हीट लोड। सेकेंड इंक्रीजिंग द रेंज, अगर मैं रेंज को इंक्रीज करता हूं एज अ रिजल्ट ऑफ एडेड हीट रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं मान लीजिए रेंज को इंक्रीज करता हूं मींस अगर मेरे टावर पे लोड ज्यादा आ गया है जिसकी वजह से मेरा रेंज इंक्रीज हो गया है तो मेरा ऑब्वियस है कि टावर का साइज मेरा इंक्रीज कर जाएगा। फ्रेंड दोबारा सुनिए, इंक्रीजिंग द रेंज, अगर मेरी रेंज इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एडेड हीट रिक्वायरमेंट, अगर एक्स्ट्रा हीट लोड आ रहा है मेरा जिसकी वजह से रेंज इंक्रीज हो रही है तो मेरे टावर का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इफ द हॉट वाटर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, अगर जो मेरा हॉट वाटर का टेम्परेचर है वो मेरा कॉन्स्टेंट है एंड द रेंज इज स्पेसिफाइड विद द लोअर कोल्ड वाटर टेम्परेचर, लेकिन मैंने रेंज को डिफाइन किया है एक लोअर कोल्ड वाटर टेम्परेचर पे, तो भी जो मेरे कूलिंग टावर का साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज मैं जो अप्रोच है अप्रोच की वैल्यू को बेसिकली मैं डिक्रीज करने की तरफ चला गया हूं। सो फ्रेंड्स ये समझिएगा कि जो कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस है वो बेसिकली एक ही चीज पे नहीं डिपेंड करता है, ये आपका वेरियस पैरामीटर्स हैं जो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप एक पैरामीटर के टर्म्स में एनालाइज करेंगे तो आपको बाकी पैरामीटर्स का भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा कि बाकी पैरामीटर्स का वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं अप्रोच एंड वेरिएबल टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स जो आपका डिजाइन वेरिएबल टेम्परेचर होता है ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपकी कैसी है। यूजुअली जो वेरिएबल टेम्परेचर है ये आपका जो भी वहां पे उस टाइम का टेम्परेचर होगा एग्जैक्ट जो कंडीशंस होंगी उससे लगभग 5% के आसपास के रेंज में लिया जाता है। सेकेंड फ्रेंड्स जितना ज्यादा आपका वेरिएबल टेम्परेचर हायर होगा उतना ही आपका स्मॉल कूलिंग टावर की जरूरत पड़ेगी। दोबारा सुनिए फ्रेंड्स, जितना आपका वेरिएबल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही आपको छोटे साइज का कूलिंग टावर चाहिए रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली फिल्म मीडियाज की। फिल्म मीडियाज का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो होता है फ्रेंड्स हीट एक्सचेंज करना बिटवीन एयर एंड वाटर, जो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। और ये जो रहता है एयर एंड वाटर ये बेसिकली जो उनके बीच में कॉन्टेक्ट एरिया है उसको चेंज करता रहता है जिसकी वजह से मेरा आपका इंटरमिक्सिंग प्रॉपर होती है, प्रॉपर तरीके से टर्बुलेंस क्रिएट होता है और प्रॉपर हीट ट्रांसफर होता है। अब फ्रेंड्स ड्यू टू फ्यूअर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयर एंड पंपिंग हेड देयर इज, अगर मेरे को मींस पंपिंग हेड की कम रिक्वायरमेंट है तो मैं काफी ज्यादा एनर्जी सेविंग कर सकता हूं। मींस अगर मेरे को ज्यादा हेड नहीं चाहिए तो मैं छोटे साइज का कूलिंग टावर लगा के उसमें प्रॉपर तरीके से फिन्स को अरेंज करके अच्छी खासी सेविंग कर सकता हूं पावर की। और करंट टाइम में फ्रेंड्स लो क्लॉक फिल फिल्म्स भी आई हैं जिसमें आपका हाई फ्लूड साइजेस रहती हैं और ये हाई टर्बिड वाटर्स को भी इजिली हैंडल कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स आपको होप फिल्म मीडियाज जो होते हैं इनका बेसिकली रोल क्लियर हो गया होगा। ये आपका हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ाते हैं जो आपका कूलिंग वाटर और इसके बीच में रोल प्ले करता है, कूलिंग वाटर और आपका एयर के बीच में कॉन्टेक्ट एरिया आपको देता है, ये बेसिकली उस सरफेस एरिया को ही इंक्रीज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे ज्यादा हेड की जरूरत नहीं है कूलिंग टावर में तो आप छोटे साइज का कूलिंग टावर लगा के प्रॉपरली डिजाइन फिन्स को आप लगा के दोनों के बीच में ट्रांसफर एरिया बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो पावर कंजम्पशन है वो भी आपका एक लार्ज अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगा। सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कूलिंग टावर की, कूलिंग टावर जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन से बेसिकली फैक्टर्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट टाइम हम फ्रेंड्स क्या करेंगे क्योंकि कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर देंगे। आज जैसा मैंने आपको समझाया मैंने एक पैरामीटर्स मींस हर एक पैरामीटर देखे कि मतलब जैसे कैपेसिटी की मैंने बात की तो कैपेसिटी आपका फ्लो रेट सर्कुलेशन फ्लो रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, रेंज पे भी डिपेंड कर रहा है, अप्रोच पे भी डिपेंड कर रहा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैं इनमें से कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर देता हूं तो एक जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स मेरे हाथ में बचता है उसका कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू फ्रीज कर दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि अगर ये पैरामीटर्स मेरे फ्रीज होते हैं तो एक सिंगल पैरामीटर मेरे कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को कैसे इंपैक्ट करता है, क्योंकि कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली वेरियस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरे को एक ही पैरामीटर को इंक्रीज करना है तो मैं डिफाइन कर सकता हूं, अदरवाइज एक पैरामीटर छेड़ते ही मेरी बाकी चीजें अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कूलिंग टावर अलॉन्ग विद फैक्टर्स अफेक्टिंग द कूलिंग टावर परफॉर्मेंस जहां पे मैं कुछ पैरामीटर्स को फ्रीज कर दूंगा। सो फ्रेंड्स
टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड बाय।